सतगुरु नानक प्रगटिया मिति दुंद जग चानन हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं करनाल की। करनाल में जहां नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, विशाल नगर कीर्तन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर करनाल की संगतों की तरफ से, करनाल के गुरुद्वारा कमेटियों की तरफ से ये विशाल नगर कीर्तन करनाल शहर में निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पंच प्यारे जो है उससे आगे जो है फूलों की वर्षा जो की जा रही है गुरु साहिब को लेकर, और पीछे गुरु साहिब की पालकी है और पंच प्यारों के साथ जो है पालकी साहिब गुरु साहिब की जो है सिंहासन, ये पालकी साहिब है जहां आप देख सकते हैं दर्शन कर रही है संगत, गुरु घर के आगे नतमस्तक हो रही है, गुरु के आगे नतमस्तक हो रही है और गुरु साहिब पालकी साहिब में विराजे हुए हैं और पालकी साहिब के आगे नतमस्तक होकर संगत जो है गुरु घर की बख्शीशे प्राप्त कर रही है। नगर कीर्तन की बात करें तो नगर कीर्तन करनाल शहर में, करनाल के ऐतिहासिक शहर दानवीर करण की नगरी में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर, और पालकी साहिब के साथ साथ जो है यहाँ पर जो संगते हैं उनमें काफी उत्साह है। संगते जो है गुरु साहिब के साथ साथ चल रही है और वाहेगुरु नाम के सिमरन जो है आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरह से जो है संगत वाहेगुरु नाम के सिमरन कर रही है, जाप कर रही है और वाणी पढ़ रही है और साथ के साथ जो है सेवा भी कर रही है। आगे जो है संगत जो है झाड़ू लगा रही है, जो झाड़ू की सेवा चल रही है, उसके बाद जो फूलों की वर्षा गुरु साहिब के लिए, गुरु साहिब जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां उनका जो ये इस नगर कीर्तन का रूट है उस तरफ जो है फूलों की वर्षा के साथ जो है गुरु साहिब जी का स्वागत किया जा रहा है। पांच प्यारों की आप तस्वीरें देख सकते हैं और पांच प्यारे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एक विशाल नगर कीर्तन जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है, और आगे की तस्वीर देखिए कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में संगते जो है सेवा करती हुई दिखाई दे रही है। ये सेवा गुरु घर की है जो संगते कर रही है और गुरु घर के बख्शीशों को प्राप्त कर रही है। झाड़ू की सेवा संगते कर रही है, गुरु साहिब का स्वागत कर रही है। करनाल की वो सड़कें जो करनाल शहर की सड़कें जहां पर ऐतिहासिक नगर कीर्तन निकाला जा रहा है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर, करनाल में अलग अलग जगह से होता हुआ, अलग अलग रूटों से होता हुआ ये नगर कीर्तन शाम को 13 कार सेवा गुरुद्वारा में समाप्त होगा और वहां से जो है जो प्रोग्राम है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व को लेकर भी समागम का आयोजन किया गया है, और साथ ही जो है आज नगर कीर्तन करनाल में निकाला गया है और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह का माहौल है। करनाल जो है राजा करण की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, वहां पर भोले सोने हाल के साथ सत श्री अकाल के साथ जो है एक जयकारे जो है गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो है माहौल वाहिगुरु 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 के नाम के साथ कुछ अलग ही बना हुआ है। हर लोग हर कोई जो है उस परमात्मा को याद कर रहा है, उस निरंकार को याद कर रहा है जिसके रूप में गुरु नानक जी खुद धरती पर आए, खुद निरंकार का रूप लेकर गुरु नानक जी धरती पर आए, उन्होंने लोगों का उद्धार किया, इंसानियत का उद्धार किया, मानवता को संदेश दिया और जो है भगवान का नाम करना और सच्ची किरत करनी सिखाया। आप देख सकते हैं संगते जो है किस तरह से झाड़ू लगा रही है, ये सारी सड़कों को साफ किया जाता है पहले और इसके आगे जो है फूलों की वर्षा की जाती है, तब जो है पालकी साहिब जो है साथ के साथ गुरु साहिब की चलती है और संगतों को गुरु साहिब दर्शन दिदारे देते हैं। पालकी साहिब में विराजे हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी, और आगे जो है जाप चल रहे हैं, कीर्तन चल रहा है साथ के साथ, और इससे आगे जो है गटका के जो अलग अलग हैरत अंगेज करतब जो है जिसे गटका कहा जाता है, वो खेल जो गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी ने निहंग सिंहों को बख्शा था, खालसा को बख्शा था, वो जो है यहाँ पर आपको सुनाई और दिखाई देगा अलग ही माहौल। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की, करनाल में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं संगते जो है प्रसाद भी बांटते हुए नजर आ रही है, प्रसाद का लंगर है जो गुरु नानक जी ने शुरू किया था, अलग अलग रूप में ये लंगर बरताया जाता है नगर कीर्तन वाले दिन। और ये तस्वीरें हैं करनाल की और करनाल के सड़कों की, आप देख सकते हैं किस तरह का जो माहौल है यहाँ पर जो है किस तरह का जो माहौल बना हुआ है और किस तरह जो है संगते सेवा करती हुई दिखाई दे रही है, और संगतों के साथ जो है लोगों में भी काफी उत्साह है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर। और सर कैसे देखते हैं आप जो आज इतनी भारी संख्या में संगत आई है और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है? ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब से बड़ा साथ गुरु नानक जी कर राखी मेरी, धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पर्व, गुर प्रबंध कमेटी बाबा सुखा सिंह डेरा कार सेवा वाले समूह संगत के सहयोग नाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जो गुरुद्वारा मंजी साहब से शुरू होकर वख वख जगह तो हुंदा होया, वख वख जगह तो हुंदा होया अस्पताल चौंक, करन गेट, मनीपुरा रोड,
शाम को डेरा कार सेवा समाप्त होगा। संगत बहुत है, महाराज की बड़ी कृपा है, संगत होम वाग दर्शन दे रही है। तू संगत चरणा में बेनती की वह दर्शन दे, गुरु घर की हाजरी भरो, अपना जन्म सफल करो। वाहगुरु जी कदों समागम कदों रखेंगे? समागम वीर जी कल रात का मंजी साहब विखे रखा गया 7 बजे तो लैके 10 बजे तक, उपरंत परसों सवेरे 5 बजे तो लैके रात को 2 बजे तक, शाम को 7 बजे तो लैके 12 बजे तक डेरा कार सेवा कलंदरी गढ़ी का समागम होगा, जिस प्रसिद्ध रागी ढाडी के प्रचारक पुज रहे हैं। पूरा वधिया एक अलग ही माहौल करनाल दी सड़कां दे वेख। हां जी हां जी, गुरु नानक साहब दी बहुत कृपा जी, गुरु नानक साहब दी कृपा दे हिसाब नाल महाराज वध तो वध संगत दर्शन दे रही है अते लाह लै रही है। वाहिगुरु जी साहब, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल जो है जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, और बाबा जी की कहोगे, गुरु नानक पातशाह ने एक संदेश दिता सी, और जेड़ा माहौल अज करनाल दी सड़क च वेख रहे हो, की कहोगे? जे गुरु नानक पातशाह नूं खुश करना ना इस ग्रुप ते ते पाई लैणा बणीए, जो गुरु नानक पातशाह कहिंदे सी भाई लैणा कहिंदे सत बचन सत करतार पातशाह हो जाएगा, भावें अद्धी रात नूं कंध बनाउण दी गल होवे, भावें साफ चादरां नूं दुबारा धोण दी गल होवे, कदी मना नहीं कीता। पातशाह ने इन्ना कह लैणा घोड़े दी गुलामणी मन दीआं लगामां दो, ते भाई लैणे ने मन दीआं लगामां पकड़ाईआं ते गुरु अंगद दे मार दे। इस करके मेरी बेनती है समुचे सिख जगत नूं, असीं वी भाई लैणे वांग बणीए। ते दूजी बेनती, ये गुरपुरब संबंध में कल 26 तरीक रात का समागम गुरुद्वारा मंजी साहब रहेगा, तो परसों समागम देर रात डेरा कार सेवा विखे रहा। बिल्कुल जो है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की, बिल्कुल जो है एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है, भाई लैना की तरह आपको बनना पड़ेगा। भाई लैना जी वो थे जो गुरु नानक देव जी के रस्ते पर चले और दूसरे पातशाह यानी कि गुरु अंगद देव जी साहिब जी बने। वो भाई लैना जिन्होंने गुरु नानक देव जी की बात को सिर मत्थे पर माना, वो भाई लैना जी जिन्हें आज गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना जाता है। और तस्वीरों के साथ ये नगर कीर्तन जो है करनाल की अलग अलग सड़कों से होता हुआ शाम को डेरा कार सेवा गुरुद्वारे में जाके समाप्त होगा, और जो है संतों में किस तरह का उत्साह है वो आपके सामने है। एक फकीर मर्दाना